नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 अक्टूबर दिन रविवार, तो दोस्तों वैसे तो आज शनिवार रविवार का दिन है। रविवार के दिन वैसे ये मंडी बंद होती है, पर आज ये मंडी खुली है क्योंकि कल जो नेशनल हॉलीडे था 2 अक्टूबर, उस उपलक्ष में मंडी बंद थी। पर आज भी जो है फ्रूट मंडी तो बंद है, पर ये सब्जी मंडी खुली है। तो मैं मंडी में अब आया, देखते हैं यहाँ क्या कुछ। वैसे माल भी पूरी गाड़ियाँ हैं और लेने वालों की भी भीड़ है। जानते हैं आज का क्या कुछ रेट शुरू करा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर के एंड ब्रदर्स फिन के पास, जानते हैं क्या क्या माल आया, फ्रांस बीन वगैरह और ये जो अपना मटर आई, पत्ता गोभी, फूल गोभी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। तीन दिन नहीं जी, दो दिन कहाँ रहे राणा जी। बस मुझे पता चला था कि नेशनल हॉलीडे के कारण मंडी बंद है। कल की तो मंडी बंद थी, परसों तो मैं मंडी कल बंद थी, आज मंडी खुली है। हाँ तो मटर आई जी अपना हिमाचल वाली जी। हाँ जी आई जी राणा जी, आई राणा जी। बढ़िया मटर 600 रुपये से लेके 900 रुपये, 1000 तक, और हल्की मटर 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक। अच्छा, ये यानी 5 किलो का रेट है 300 से 500 रुपये। और सर जी अपना ये फ्रांस बीन कहाँ वाली और क्या रेट गई? फ्रांस बीन शिमला वाली तो रात को तो बिकी जी 45-50, अब जी 40 रुपये बिक रही है ये। 40 रुपये किलो शिमला वाली जी। और अच्छा ये फूल गोभी कहाँ वाली है, क्या रेट चल रही डब्बों में? स्पीति आ रही है जी, ये लाहौल स्पीति की है वही फूल गोभी, ये बिकी 30 रुपये से 35 रुपये। हाँ जी हाँ जी। और अपना ये पत्ता गोभी कहाँ वाली है, तो छोटी पैकिंग है जी पत्ता गोभी में? तो शिमला कांगड़ा साइड की बंद गोभी है जी, ये आज डाउन है, 12 रुपये से लेकर 15 रुपये बिक रही है। 12 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तोल के जी। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों बात करते हैं करेले की। जो करेला है ऐसा, जो लंबे वाले करेले हैं ये तो हैं दोस्तों 14 रुपये किलो, और जो बिल्कुल ब्रिक वाले करेले छोटे, ये प्लेन वाले यानी इनको देसी खीरा बोलते हैं प्लेन वाला, इसका रेट है दोस्तों 18 रुपये किलो। 14 रुपये किलो, 18 रुपये किलो जो अच्छे वाला सुपर क्वालिटी का करेला। दोस्तों बात करते हैं खीरे की। खीरा जो ये हाइब्रिड खीरा, इसका रेट है दोस्तों 12 रुपये किलो। 14 रुपये किलो खीरा, हाइब्रिड वाला खीरा 12 रुपये 14 रुपये किलो। दोस्तों बात करते हैं मूली की। जो मूली है देखो, ये मूली है जो अपना राजस्थान से आती है दोस्तों, इसका रेट है 12 रुपये किलो, 13 रुपये किलो। और जो इसी में अपने हरियाणा की मूली आती है जो दिल्ली के आसपास की, वो हो गई दोस्तों आज 16 रुपये किलो, 18 रुपये किलो। क्योंकि ये जो थोड़े इसके पत्ते मुरझा जाते हैं बाहर से आने के कारण, उसमें ताजगी रहती है, ये रेट था आज का मूली का। दोस्तों बात करते हैं भिंडी की। भिंडी जो मोटे वाली भिंडी है ये है 12 रुपये किलो, और जो ब्रीक वाली थी वो गई 17 रुपये किलो, और जो रात को बिकी 17-18 रुपये किलो, और ये अब है इस समय 12 रुपये किलो, और रात को ये भी जो है 15 रुपये के लगभग थी। दोस्तों बात करते हैं देसी खीरे की। जानते हैं जो भाई साहब स्पेशल खीरा बेचता है उनके पास, ये सीताफल कद्दू आया और ये सेम की फली आई और तोरी भी आई। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब ये देसी वाला खीरा क्या रेट गया आपने? देसी वाला खीरा 13-14 रुपये भी। देसी वाला 13-14 रुपये, और ये जो लंबे वाला कद्दू 6 रुपये किलो, ये सेंचुरी कद्दू, और ये वाला भाई ये वाला ये 8 रुपये 9 रुपये, ये इसका आज मंदा लिया, ये तो 12-14 रुपये जाता था जब बिकता था, अब आज तो सब कुछ मंदा है। अच्छा जी, और भाई ये अपना सेम की फली क्या रेट गई? सेम फली 55 रुपये किलो। 55 रुपये किलो, इसमें करंट है? अच्छा, 2 दिन पहले 70 रुपये किलो था, आज 55 रुपये है। और भाई ये जो तोरी आई थी प्लेन वाली, ये वाली तोरी बिकी है 18 रुपये 16 रुपये। धन्यवाद भाई साहब। दोस्त अपना दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दे भाई। अपना दुकान है D1312 है, कॉन्टैक्ट नंबर है 97-185-91-744। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों बात करते हैं शिमला मिर्च की। जानते हैं शिमला मिर्च का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार रहा। जो स्पेशल शिमला मिर्ची बेचने वाले अपने भाई साहब हैं, और इनके पास ये जो अचारी मिर्ची है मोटे वाली, ये भी दो किस्म की आती है ना आज? आज निफा और दूसरी आती थी एक, और वो लंबी सी फाफरी, फाफरी है या फाफरा है? अच्छा वो पापड़ी, वो नहीं आई अभी? अच्छा जानते हैं उसका क्या कुछ। अच्छा वो आई उधर, हाँ ये पड़ी जी लंबे वाली पापड़ी, पापड़ी बोलते हैं इसको। जानते हैं इसका शिमला मिर्च का क्या कुछ रेट रहा है इनके पास, जो स्पेशल शिमला मिर्च बेचते हैं, और इनके पास ये जो हिमाचल की लाहौल स्पीति की गोभी आती है इनमें बॉक्सों में, और इनके पास स्पेशल जो ये अपना मखनी गुवार फली बोलते हैं, जिसको मखनी गुवार फली के बेचने वाले भाई साहब हैं। जानते हैं इनसे आज का क्या कुछ बाजार चला मिर्ची का मंडी में। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार सर जी, आज का अपडेट करो शिमला मिर्च का और पापड़ी मिर्च का और दूसरे वाली मिर्च का, क्या कुछ बाजार चला जी? हेलो, आज जो है शिमला मिर्ची आज मंडी के अंदर थोड़ी सी कम है, और लोकल शिमला मिर्ची जो आई थी आगरा और बरेली की मिर्ची, वो तो बिकी है 70 रुपये से लेकर 80 रुपये तक।
और ये महाराष्ट्र वाली जो मिर्ची जो भी आ रही है आज ये बिक रही है मंडी के अंदर 55 रुपए किलो से लेके 65 रुपए किलो तक, बढ़िया माल। और हल्के माल किसी भाव नहीं है, 40-45-50 जो भाव बिक जाए। हाँ जी, पापड़ी जो आई थी, पापड़ी जो गोल्डन पापड़ी है 35 से 40, फाफड़ा जो है 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक। आज मखनी गवार बहुत टाइट है, मखनी गवार की पोजीशन मान के चलो 50 से 52 रुपए किलो की आज। अच्छा, ये मखनी गवार कहाँ की आती है? मखनी गवार राजस्थान की आ रही है अपने पास। अच्छा जी। हाँ, और ये फूल गोभी जी? फूल गोभी तो लाहौल की आई थी, अब जो एंड होना शुरू हो गया फूल गोभी का, माल दागी निकल रहे हैं, माल बिक रहे हैं 20 रुपए किलो से लेके 40 रुपए किलो तक बोली पे। अच्छा, ये भाई साहब कहाँ? ये नाना है, यशवंत नाना, ये आए हैं महाराज सांगली से, सांगोला। हाँ नाना, इनको पूरा सांगोला नाना के नाम से जानता है, पूरा महाराष्ट्र में नाना के नाम से फेमस है ये। अच्छा, तो ये क्योंकि ये सांगोला के सबसे बड़े व्यापारी है ये मान के चलो आप, इनका अनार का, अंगूर का सबसे मेन काम इनका शिमला मिर्ची का है। ये किसान भी है? और ये किसान भी है, इनकी 2-3 गाड़ी मेरे पास डेली होती है ये शिमला मिर्च की। आज भी देखो ना मेरे पास 2 गाड़ी है, 2 में से 1 गाड़ी इनकी है आज भी। अच्छा, ये बात करो ना से, नाना बताओ अपने बारे में। आदि भाई साहब शर्मा उन्हों, स्वागत है आपका दिल्ली में, आप महाराष्ट्र से है, हम दिल्ली वालों को आप शिमला मिर्च खिलाते हैं और भी सामान आता है। तो सर जी अपनी खेती भी है वहाँ पर जी? है जी। अच्छा, तो खेती में क्या कुछ लगाते हो? अंगूर है, शिमला मिर्च है। अच्छा, बाकी भी और है। अच्छा, तो आप ही का माल आता है, मैंने नाम तो सुना था यहाँ पर कई बार। हाँ, तो फ्रूट में क्या कुछ है जी? फ्रूट में है अपना अनार है। अच्छा, तो दिल्ली आता है? दिल्ली आता है। तो कैसा लगा जी दिल्ली में आके? बहुत अच्छा लगा। बरसात बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो नुकसान हुआ जी उससे? काफी बहुत नुकसान हुआ है। और प्याज की फसल में कैसा गया जी? प्याज हमारे उधर कम होता है, उधर नासिक तरफ ज़्यादा होता है। अच्छा, तो नुकसान तो हुआ होगा जी उधर भी? नुकसान तो बहुत हुआ है। और बढ़िया बढ़िया जी, ठीक ठाक। धन्यवाद जी, दर्शन हो गए आपके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे दोस्तों जो महाराष्ट्र से, अपना नासिक से, सांगली से, इनके काफ़ी इलाकों से इनकी मिर्ची आती है भाई साहब। मैंने नाम तो इनका सुना था कहीं, ये है जी वो नाना बोलते हैं जिनको। धन्यवाद जी। दोस्तों बात करते हैं अरबी की, अरबी का जो आज का वही हिसाब चल रहा है, अरबी का भी जो अच्छे वाली अरबी है किसी की बिक जाती है दोस्तों 10 रुपये किलो, पर बाकी इसका जो मेन रेट है 8 रुपये 9 रुपये 7 रुपये, जैसी अरबी उसका वैसा ही मंडी में रेट। दोस्तों बात करते हैं चुकंदर की, जो चुकंदर है दोस्तों, जैसे ये चुकंदर है जो ये मथुरा का चुकंदर आता है, इसका तो रेट हो गया दोस्तों 12 रुपये किलो अब। और जो ये चुकंदर है जो अपना इंदौर का आता है, इसका रेट है दोस्तों 19 रुपये किलो, 19 भी रात को, ये चुकंदर 20 रुपये भी बिका 19 रुपये 20 रुपये, और जो मथुरा वाला है 12 रुपये। दोस्तों बात करते हैं जिमीकंद की और ये शकरकंदी, जो स्पेशल जिमीकंद और शकरकंदी बेचने वाले अपने आड़ती हैं यहाँ पर दिल्ली आजादपुर मंडी में, वैसे आती तो है काफ़ी दुकानों पर, ये भी बेचते हैं भाई साहब, जानते हैं इनके पास आजकल क्या रहा जिमीकंद और शकरकंदी का बाज़ार, जान लेते हैं। सर जी नमस्कार जी। भाई साहब आज का क्या कुछ बाज़ार रहा जी जिमीकंद का जी, कहाँ वाला है जी? जिमीकंद आंध्रा वाला ही है सर। जिमीकंद का बाज़ार आज 15-16 रुपये होया पड़ा है, बाज़ार डाउन, 4 गाड़ी है मंडी में, थोड़ा सा डाउन हुआ जी सर। और शकरकंदी आज तो बेंगलोर है नहीं, बेलगांव है, वो 20-22-23 रुपये किलो है। बेंगलोर वाला 23-24 का ही चलेगा आएगा तो। और माल बेलगांव आ रही है तो दोनों कर्नाटक में ही है, दोनों जगह वहीं बेंगलोर अलग, कर्नाटक का अलग आता है, बेंगलोर का हमारा आता है, छटाई होके आता है, सुपर माल आता है। ये बेलगांव नहीं आ रहा अभी आपके पास? हमारे पास बेलगांव, हम बेलगांव का काम, क्योंकि उसमें चूड़ा माल आता है तो वो काम हम करते ही नहीं है कि ग्राहक ले जाए तो वो भी नुकसान खाए, इसलिए हमारा बेंगलोर ही आता है सर। धन्यवाद भाई साहब। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलो। दुकान का नाम सतपाल मदन लाल, D422 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मोबाइल नंबर सेट का है 98-112-82-650 और मेरा मोबाइल नंबर 99-71-16-52-80। धन्यवाद जी। दोस्तों बात करते हैं मशरूम की, जानते हैं बटर मशरूम का आज का बाज़ार है दोस्तों 100 रुपये किलो से लेकर 120 रुपये किलो, और ऐसी जो बी ग्रेड क्वालिटी बोलते हैं इनको, ये है 30-35 रुपये किलो, बी ग्रेड क्वालिटी 30-35 रुपये किलो, जो अच्छे वाली ये मशरूम है इसका है 100 रुपये से लेकर 120-130 रुपये किलो तक मशरूम। दोस्तों जो ये बी ब्लॉक में चाइनीज़ सब्जी आती है, आज ये मंडी में आई नहीं, क्यों? संडे के कारण, वो संडे को नहीं आती, तो आज उनका बाज़ार
थोड़ा टाइट ही रहता है और लेने वाले भी उसके कम ही है क्योंकि आज संडे है। तो उसके तो मैंने वीडियो पूछा उनसे रेट ज़्यादा हैं तो मैंने वो वीडियो बनाई नहीं, चलिए जानते हैं पार्क में आजकल और सब्जियों के क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों अब पार्क में आ चुके हैं, पार्क में जो ये इनके पास चिचरिंडा था भाई साहब के पास, और ये तोरी आती है प्लेन वाली तोरी, और ये घिया तोरी, और इनके पास वो झींगा तोरी आती है, जानते हैं भाई साहब से। हाँ दोस्त अपना नाम बताओ पहले यार। मेरा नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, तो ये चिचरिंडा क्या रेट गया चिरिंडा भाई? ये 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो जी। और अपना ये घिया क्या रेट गई भाई? घिया घिया है 200-250 रुपये पन्ने का। वजन कितना है भाई इसमें? 32 किलो 35 किलो। तो मंद हो गया काफी इसका, फिर लेने वाले कम है ना, मंडी के पता नहीं है उसको। और ये अपना प्लेन तोरी भाई, प्लेन तोरी 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक का। ये झींगा का नहीं रेट बताया? झींगा तोरी 10 रुपये किलो बिक रहा है, 3 पन्ने बचा हुआ। वो मोटे वाली और बढ़िया वाली क्या रेट गई? 15 रुपये किलो तक। धन्यवाद दोस्तों ये रेट थे। पर वैसे आज यहाँ जो है ना ये सब्जियां तो आ गई क्योंकि कल को मंडी बंद थी, ज़्यादा थी, पर लेने वाले भी इतने खुल के नहीं आए तब इसका रेट है। नहीं इसमें 2-4 रुपये का 5 रुपये का और उछाल होता है इन सब्जियों में, क्योंकि कल जो नेशनल हॉलीडे था उसकी तो मंडी बंद रही, वो माल भी आ जाया, और संडे को भी ये सब्जियाँ खुली रहती है, सब्जियाँ आती है, पर जो लेने वाले आज वो नहीं आए, कमी है। दोस्तों बात करते हैं टमाटर की, जानते हैं टमाटर का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार रहा और कितना माल आया और क्या हिसाब से बिक रहा है, लंबे वाला टमाटर, गोल वाला टमाटर, जानते हैं जो स्पेशल टमाटर बेचते हैं। नमस्कार सर जी। सर जी आज का अपडेट करो टमाटर का, कितनी गाड़ियाँ आई जी, कहाँ कहाँ की और कौन कौन सी? आज 24-25 गाड़ी हैं नासिक और बेंगलोर और देसी। तो हाइब्रिड की कितनी है जी इसमें? हाइब्रिड 14 गाड़ी हैं। और ये गोल वाले की जी? 8-10। बढ़िया वाले हाइब्रिड का क्या रेट चल रहा जी? 900 रुपये। नीचे में जी थोड़ा? 750-700। 750 से लेकर 900 रुपये। और ये गोल वाला कहाँ का है जी, ये क्या रेट चल रहा है? गोल वाला बेंगलोर का 1000 रुपये, 900 रुपये। सिलाई वाला 700-800 तक। सिलाई अपना हिमाचल भी आया जी? हिमाचल 700-800। उसकी क्वालिटी कैसी है जी हिमाचल वाले की जी? हिमाचल की क्वालिटी अभी सुधर रही है, पहले मोटा माल है थोड़ा ज़्यादा, नया नया चला है तो मीडियम हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा बाजार। अब ज़्यादा बम्पर है जी माल में, ज़्यादा मोटे में भी दिक्कत पड़ती है जी? हाँ थोड़े ज़्यादा भी दिक्कत होती है, परचून वाला माल नहीं लेता कोई भी बंदा। जैसे रेट होने के कारण वो छोटे ही टमाटर मांगेगा ना जी, ये है। चलो बढ़िया सहज बन गया जी, बम्पर ठीक है जी, इतने का भी बिक रहा जी, बिकता रहे इनको तो पहले बेचारों को रेट ही नहीं मिला, रेट तो अब किसी किसान को भी नहीं मिला जी अब की बार तो सारा ही। अब चल जाएगा जी ये रेट, ठीक जाएगा? चलेगा हाँ, बरसातों से माल ज़्यादा ख़राब हो गया, बाजार चलेगा अभी ये महीना तो चलेगा अक्टूबर। चलो धन्यवाद जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस बोल दो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो जी। 4437, कॉन्टैक्ट नंबर 9811668900। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये थे टमाटर के आज के रेट। सर जी ये जो थोड़ा आरा पीड़ा रहा है, ये कहाँ वाला माल है, लंबे वाला हाइब्रिड? रतलाम का क्या रेट गया जी? रतलाम का चल रहा है 700-800 तक। ये आपने बताया नहीं, अच्छा ये रतलाम का हाइब्रिड है दोस्तों, ये चल रहा 700 रुपये से लेकर 800 रुपये। टमाटर तो बढ़िया जी, बम्पर साइज का, लंबाई भी साइज भी पूरा है, पर इसमें कहीं कहीं थोड़ा हरा और पीला है, पर दागी तो नहीं है। दोस्तों बात करते हैं अदरक की, जानते हैं अदरक का मंडी में आज कुछ क्या बाजार रहा, जो अदरक मंडी में पहुंच चुके हैं आज की क्या पोजीशन है अदरक की, कितनी गाड़ियां आई, पर ग्राहक तो आज भीड़ कम है मंडी में, जान लेते हैं फिर भी। हाँ जी भाई साहब जी, कितनी गाड़ियां आई जी? नमस्ते जी। 19 गाड़ी है टोटल 19 गाड़ी है, 18 गाड़ी नई की, 1 गाड़ी पुराने की, एक पुराने एक ही गाड़ी है, पुरानी की एक ही गाड़ी, एक ही गाड़ी है, पुराने पुराने बाहर पुराने की डिमांड ज़्यादा है और बाहर कम है माल है अभी। 22-24 रुपये अभी जा रहा है मार्केट। ये डिक्के मार का है, सबसे टॉप की माल है जो कि मेरे ही दुकान पे आता है, सबसे टॉप की माल है मंडी में, एक मंडी में मेरे पास ही आता है, सबसे टॉप की माल है, ये जाएगा मंडी सबसे ऊपर जाएगा ये। ये अभी 24 रुपये है, नीचे 20-22-21 हर भाव है। पुराने का रहेगा आज 65-70 के बीच में। एक ही गाड़ी थी अपने पास, नहीं थी आज अपने पास, कल है अपने पास। बिक्री आज ग्राहक कम है, कस्टमर संडे है, ग्राहक कम है आज।
बिक्री डिमांड होती, लेकिन आज संडे है, कस्टमर कम है मार्केट में। हाँ, राहुल ब्रदर्स, D438 6216-6663। थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब जी। दोस्तों आलू मंडी बंद है, आलू मंडी वैसे बहुत दूर है यहाँ से, आलू मंडी फ्रूट मंडी में पड़ती है उधर, पर वो आज बंद है क्योंकि संडे है। और ये भी जो सब्जियों के दोस्तों मैं रेट बता रहा, ये भी कोई जेन्युइन रेट ना आज के मान के चलना इनको, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज इसमें डबल माल है। और वैसे भी संडे है, कुछ को ये पता कि संडे को मंडी बंद रहती है और कुछ को पता कि चलो मंडी भी खुली रहती है, असली प्रॉपर रेट वो कल को पता चलेंगे आपको सोमवार को। क्योंकि जैसे अदरक वाले भाई ने भी बताया कि एक ही गड्डी है पुराने अदरक की, एक गाड़ी से तो काम नहीं चलेगा दिल्ली का, वो तो कल आएंगी जी, कल ही पता चलेगा असली रेट का। दोस्तों बात करते हैं नींबू की, नींबू मंडी में आज बिल्कुल नींबू खाली पड़ी, देखो दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई आड़ती है, या वैसे बंदे बैठे या फिर बेचारियों को उनका गऊँ बछड़ियों का कब्जा है, ये बैठे आज जहाँ पर नींबू बिकता है, नींबू बिकने की जगह तो आज ये बैठे आराम फरमा रहे हैं सारे गायें बछड़े। तो आज मंडी में जो है अब नींबू की गाड़ी एक भी नहीं है, कल ही मिलेगा इसका नींबू का बाजार। दोस्तों बात करते हैं फूलगोभी की, जानते हैं फूलगोभी का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला, कितनी गाड़ी आई और कहां कहां का माल आया। नमस्कार सर जी, सर जी आज मंडी में कितनी गाड़ी आई? मंडी में भाई साहब गाड़ी आई है लगा लो कोई 24-25 गाड़ी है। अच्छा जी, कहां कहां की आई है? ये सारी अजमेर है जी पुष्कर। अच्छा, यूपी वाली भी आई कुछ? हाँ रात को यूपी भी आई है किराने की। अच्छा जी, हाँ जी। तो राजस्थान वाली का क्या बाजार चला जी? हाँ राजस्थान का बाजार है जी, लेके 150 रुपये से लेके 300 रुपये तक का। 150 रुपये से लेकर गोभी तो बढ़िया है जी। हाँ जी, आम बाजार समझ लो इसका 200-210-220 रुपये। अच्छा जी, और वजन 8 से 10 किलो? वजन 8 किलो से लेके 10 किलो तक। अच्छा जी, हाँ। अपना ये जो किराना वाली गई जी? किराना वाले भी गए जी 400-450 रुपये। उसमें क्या क्वालिटी है जी ऐसी? उसका वेट ज़्यादा है उसमें। कितना? उसमें वेट लगा लो कम से कम 30 किलो बनेगी। अच्छा, फिर ये कितने दिन चलेगी जी अभी? और चलने को तो अभी ये 15-20 दिन चलेगी, मगर ये दिल्ली देखो पकड़ती नहीं पकड़ती है। अच्छा, क्योंकि किराया ज़्यादा है, 70 रुपये नक्का किराया है इसका। अच्छा, 10 रुपये इकट्ठा होगा, 5 रुपये मजदूरी होगी, 100 रुपये का गाँव पर खर्चा है इसका। वाह जी, अब अभी देखो ये हो सकता है कि जाए जाए 10 दिन पकड़ सके। फिर इसके बाद कौन सा इलाका शुरू होगा जी? ये लोकल आ जाएगी यहाँ से, आस पास की सोनीपत पानीपत ये सब निकलती है, वहाँ संभल आ जाती है, यूपी आ जाती है। अच्छा, वहाँ से भी कोई भी आती है जी? हाँ जी हाँ, सब अब यूपी जा रही है, यूपी से फिर वापसी हो जाएगी ये। अच्छा, यूपी से वापसी आने लगेगी वहाँ से। ठीक है, धन्यवाद सर जी। दोस्तों ये थे फूल गोभी के आज के रेट, तो उन्होंने बताया कि ये तो हफ्ते 10 दिन के, इसके बाद ये जहाँ जहाँ जा रही वहाँ से दोबारा वापसी आनी शुरू हो जाएगी, यूपी चल जाएगी, अपना लोकल हरियाणा चल जाएगा, पंजाब की भी आती है इधर थोड़ी बहुत। ये थे दोस्तों आज के दिल्ली आजादपुर मंडी के 3 अक्टूबर दिन रविवार का फूल गोभी का रेट। दोस्तों बात करते हैं स्वीट कॉर्न मक्की की, जो स्वीट कॉर्न मक्की है दोस्तों आज का इसका रेट है 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो जो है वैसी है, और जो इसी में अच्छे वाली क्वालिटी है ये वाले लोट जिनमें हरियाई या ग्रीननेस है, आरती ने बताया ये वाले लोट इनका दोस्तों है 18 रुपये किलो, पर इसका प्रॉपर रेट इन्होंने बताया कि कल आज मक्की भी कम है दुकान पे और लेने वाले भी कम है, तो असली रेट इसका कल पता चलेगा। दोस्तों बात करते हैं प्याज की, देखो आज प्याज मंडी में एक भी गाड़ी नहीं है, जो उधर एक दो गाड़ी आई तो इन्होंने बताया कि ना तो ये जो प्याज है ये जो पुराने वाला प्याज है यही आज भी करा, क्योंकि आज मंडी बंद है, ये बस जो लोकल बेचने वाले मासखोर है ये ले जाते हैं और यही बेचते हैं, और जो कल बिकेगा असली प्रॉपर रेट कल खुलेगा, और जो कल की गाड़ियाँ भी आई हुई है आज गाड़ी कोई बाहर से आ गई तो आज खुलेगी नहीं, उसका डाला नहीं खुलेगा तो बिकेगी ही कल को, तो कल का वो प्याज का रेट पता चलेगा। दोस्तों बात करते हैं हरे प्याज की, जानते हैं हरे प्याज का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला, इन भाई साहब के पास जो हरा प्याज आता है देख लेते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, और इनके पास फिर आज मिर्ची भी आए दोबारा, ये शिमला मिर्ची क्या कुछ इनका आज का बाजार है यहाँ का। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब प्याज का क्या कुछ बाजार चला जी? प्याज भाई आज सस्ती थी। अच्छा, ये समझ लो 10 रुपये से लेके 35 रुपये किलो तक प्याज बिकी है। अच्छा, ये राजस्थान वाली जी? हाँ जी हाँ जी। और अपना शिमला मिर्ची क्या चली भाई? शिमला मिर्ची भाई आज 55 से 65 तक। 55 से 65। और वैसे अच्छी मिर्ची का रेट तो काफ़ी है जी? नहीं भाई जी कुछ भी नहीं है, ये हाईएस्ट रेट बता रहा हूँ आपको 65 रुपये किलो आज का। अच्छा जी। हाँ जी, जबकि मिर्ची
अपनी दुकान पे ही ज़्यादा अच्छी है, बाकी और जगह 54-55 की भी बिक रही है, लेकिन ये नई मिर्ची है इसलिए 65 रुपये बिक रही है। हाँ जी, पोजिशन मिर्ची की थोड़ा लोकल मिर्ची आ गई ना अब, ये महाराष्ट्र की आ रही है, बरेली वाली भी चल गई है, तो बरेली वाली लोकल मिर्ची की वजह से बाजार की पोजिशन मतलब डाउन हो रहा है। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दी रहे बाबू जी, अपनी दुकान नंबर 1023 ए ब्लॉक और अपना फ़ोन नंबर है 9210086463। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों बात करते हैं मिर्ची की, जानते हैं मिर्ची का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला। वैसे मंडी में मिर्ची भी है, जानते हैं फिर प्रॉपर तरीके से क्या कुछ बाजार चल रहा है। अब तो बोलिए थोड़ा डाउन है ये, तो दोस्तों ये नहीं पता, खराब है। हाँ खराब है जी, इसमें लाल मिर्ची है 12 रुपये, अंदर लाल मिर्ची भी है, थोड़ी दागी भी है, जान लेते हैं कितनी गाड़ियाँ आई। नमस्कार भाई साहब जी। सर जी आज का अपडेट करो, कितनी गाड़ी आई, कहाँ कहाँ? आज इंदौर थी 16 गाड़ी इंदौर, 10 गाड़ी गुजरात। हाँ जी, जैसे आज संडे है, संडे को मंडी का में फर्क पड़ता है जी कुछ? नहीं, संडे का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आज माल की आवक ज्यादा थी। कल तो हाई रेस्ट क्या रहा? संडे को माल तो कम, ग्राहक कम आता संडे को, आज गाड़ियाँ ज्यादा थी। गाड़ियाँ ज़्यादा थी जी, ठीक ठीक ठीक। तो क्या रेट रहा जी बढ़िया मिर्ची? आज मिर्ची 20 से लेके 25 रुपए तक ये बिकी गुजरात। गुजरात और अपन है जी 15 से लेके 20 रुपए ये बिकी है इंदौर। 15 से 20 रुपए तक इंदौर और 25 से 20 से 25 ये गुजरात। गुजरात जी क्या भाव की मिर्ची? ये तो खांसी चढ़ गई जी मिर्चियों की, 10 उठ रही यहाँ तो। मिर्चें बिकती हैं ना दोस्तों, जैसे मिर्चे में नीचे पैर लगते हैं, चलती हैं, बोरियाँ उठाते हैं, हाँ तो आज 10 चढ़ी जा रही। ये है दोस्तों आज का हरी मिर्ची का रेट। दोस्तों ये थे आज के आजादपुर मंडी के रेट। आलू मंडी बंद, प्याज मंडी बंद, लहसुन मंडी बंद, फ्रूट की मंडी बंद, ये सिर्फ अदरक मंडी खुली थी या फिर थोड़ी बहुत ये सब्जियों की मंडी है। ये थे किसान भाइयों आज के सब्जियों के रेट।